सो हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनंत कुमार और इस वीडियो हम लोग ज्योमेट्री रिलेटेड के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया 11 ग्राम ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विद 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म NH3, देन फाइंड आउट ज्योमेट्री रिएजेंट एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एसएन क्या जाएगा, N2+3H2 gives 2NH3। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जितना भी मॉलिक्यूल्स है वह सारे गैसियस स्टेट में है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे रिएक्शन हो गया N2+3H2 is 2NH3। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग लिमिटेड रिएजेंट को सॉल्व करने के लिए मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को निकालते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमें पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिकुलर मास। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो N2 गैस का जो वेट है वह है 11 ग्राम, उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो मॉलिकुलर मास है वह रहेगा 14। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मोल ऑफ N2 गैस। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर N2 गैस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 गैस क्या हो जाएगा, 11/14/1। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा रेशियो हो जाएगा 11/14। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमारा मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया गया है 11 ग्राम, और यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 6। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मोल हो गया 11/6, और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वह है 3। यहाँ से फ्रेंड्स रिजल्ट हो जाएगा 11/18। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन गैस निकल के आया 11/14। वहीं पे फ्रेंड्स, हमारा मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल के आया 11/18। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा लोएस्ट वैल्यू जो है वह है 11/18। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेट ऑफ द प्रोडक्ट की। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है वह है N2+3H2 gives 2NH3। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मोल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है 11/18। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें सिंपली सबसे पहले मोल निकाल लेना है NH3 का। फ्रेंड्स, हमारा 11/18 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वह 2 मोल ऑफ NH3 देता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा 3 मोल ऑफ 11/18 हाइड्रोजन गैस जो है वह हमें 2NH3 देगा। यहाँ से फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं 11/18 हाइड्रोजन गैस जो है वह हमें 2/3 मोल ऑफ NH3 देगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मोल ऑफ NH3 हो गया 2/3। यहाँ से फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं मोल इक्वल्स टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मोल है वह है 2/3। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग वेट को फाइंड करना है। एंड देन फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है, 7। एंड देन फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 3। यहाँ से फ्रेंड्स, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 10। यहाँ से हमारा NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वह 10 निकल के आ गया। यहाँ से फ्रेंड्स, हमारा वेट निकल के आएगा 2×10/3, जो कि होगा फ्रेंड्स 20/3 ग्राम। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रकार से वेट ऑफ द प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आज की इस वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका बताया। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने वेट ऑफ द प्रोडक्ट को भी फाइंड करने का तरीका बताया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में बने रहें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में इसी तरह का स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स लेकर। तब तक फ्रेंड्स, आप एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में बने रहें।